तो तेरा साल खत्म हो गए, गोया बातों ही बातों में काम हो गए। एक साल हो दिन अच्छी तरह काट गए। बेशक वृक्ष तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता है, जंगल में विचर रहा है। मुझे पकड़ दो, कैसा खूबसूरत है सोने की मूर्त। हमारे पास ही तो घूम फिर रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे देवत इसके गले में डालूंगी, हरी भरी लाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि वो भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा। भागने की तुमने अच्छी कही, आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी आप यहाँ होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण सुनते हो, ये कैसी आवाज आई। जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, किसी ने मेरी आवाज, मेरी नाम लेकर आवाज लगाई। किसी की, किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज। आपको नहीं मालूम इसके पीछे कौन सा पोशीदा राज। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझ कर रात बुलाया है और उन्होंने तुमको सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मजा। लक्ष्मण तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो क्या फोड़े पे लगाए जाओगे। हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बता रहे। भाई की तरफ से मुझे, भाई की तरफ से तो मुझे इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि अगर मैं चला गया तो आपका यहाँ कौन निकलेगा। मुझे यहाँ क्या मौत पड़ी है। आपको तो यूं ही जीत जाए। पास दस के नहीं उड़ा, दान कर सकते हैं।